न्यायधानी बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान सुशील पांडे द्वारा ड्यूटी के दौरान लोगों से चालान के नाम पर अवैध वसूली की करतूत कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी ट्रैफिक नीरज चंद्राकर ने बताया कि अवैध वसूली के आरोप में ट्रैफिक जवान सुशील पांडे को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि न्यायधानी बिलासपुर में देवकी नंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान द्वारा ड्यूटी के दौरान लोगों से चालान के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। देवकी नंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान सुशील पांडे नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को चालान का डर दिखाकर जबरन अवैध वसूली के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। नियम की अनदेखी करते पकड़े जाने पर लोगों से वह नकद रकम ले लेता था और नकदी न मिलने पर चौक के आसपास के दुकानदारों के यूपीआई के जरिए उनसे ऑनलाइन पेमेंट कराता था। फिर घर लौटते समय दुकानदार से नकद रकम ले लेता था। आपके चैनल के माध्यम से एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक यूपीआई के माध्यम से पैसा एक ट्रांजेक्शन जैसा दिख रहा है उस वीडियो में। उसमें हमारा एक जो ट्रैफिक का सिपाही भी वहां पर खड़ा हुआ दिख रहा है। तो उस वीडियो की अभी सत्यता की हम जांच करेंगे और जब तक पूरी जांच हो जाती है तब तक उसको ऑफिस में बिठाया गया है। ऑफिस में वो अपनी ऑफिस की कार्यवाही देखेंगे, उसको फील्ड में नहीं रखा जाएगा। और जैसे ही अगर जाँच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।